ख्याल है ये दिस वाज अबाउट रीथिंकिंग पाकिस्तान। तो रीथिंक करिए हमारे लिए प्लीज। तो रीथिंक करने के लिए दो कौमी नजरिया छोड़ना होगा। सियासत का और मजहब का आपस में कोई तल्लुक बनता नहीं है। सब लोग इलामा इकबाल का या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का या लियाकत अली खान का अमले डंडे से नाश्ता करने वाले लोग, सैंडविच खाने वाले लोग, अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले लोग थे, म्यूजिक इंजॉय करते थे अपना जो है वो उनकी। पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज इट वॉज बोर्न इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सेक्युलर होता है, धरती सेक्युलर होती है। आजम पाकिस्तान में इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे या सेक्युलर रियासत बनाना चाहते थे? एक लफ्ज़ में जवाब। सेक्युलर रियासत। आई डू नॉट स्टैंड फॉर टू नेशन थ्योरी बिकॉज़ इट इज इररिलेवेंट। ये है फर्क सारा, सारा झगड़ा इस बात पे है। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में हम मुसलमान और हिंदू भाई भाई सब मिलजुल कर साथ में रहा करते थे और इसी तरह हमारे मामलात भी चलते थे पाकिस्तान बनने से पहले। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कायदे आज़म एकदम से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की बैंड बजाऊंगा और तकसीम कर दिया हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में, एक पाकिस्तान दूसरा इंडिया। मगर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन क्या पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बना था? चलो मान लिया कि पाकिस्तान एक बाकी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर वेयर इज़ द इस्लाम? तो आइए इन सारी बातों को ज़रा समअप करते हैं और आपको बताते हैं कि व्हाई वाज पाकिस्तान क्रिएटेड। कायदे आजम की और उनके साथियों की शुरू से एक आइडियोलॉजी रही है, वो ये कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, आप इनको मिला नहीं सकते बिकॉज दे हैव देयर डिफरेंट रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर्स और बहुत कुछ जो है वो इनका सेम नहीं है। तो ये साथ में मिल के इंसान के बच्चों की तरह नहीं चल सकते, इनको डिफरेंट नेशन बनाना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान बनने का ख्वाब तब हकीकत में आया जब 1946 में कायदे आजम की मुस्लिम लीग ने ऑल ओवर द इंडिया इलेक्शन जीत लिया, जिसमें मुसलमानों की खास हिमायत कायदे आजम को मिली, जिसकी बेस पे कायदे आजम ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं जहां मुसलमान अपने मज़हब, उसकी शरीयत को नाफिज कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, जो कि हमें इधर गुजारने में मुश्किल हो रही है। और अब सबसे ज़रूरी बात, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की करारदाद मकासद की दो शिखें रखी गईं। वो दो शिखें कुछ ऐसी हैं कि मैं उन्हें अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोलूँगा कि वो दो शिखें किसी का बाप भी पाकिस्तान के लॉ से अलहदा नहीं कर सकता, चाहे कितना ही आपकी जो असेंबली है वो लिबरल हो जाए, वो दो शिखें अलहदा नहीं हो सकती पाकिस्तान के लॉ से। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इंडिया जो है वो क्लेम कर सकता है हाई अथॉरिटीज़ को कि इन मोसलों ने जिस वजह की बेस पे हमारी ज़मीन को आधा आधा किया था वो अब कोई वजह तो रही नहीं, तो हमें अपनी ज़मीन वापसी चाहिए। तो वो दो शिखें कौन सी हैं, आइए मैं आपको बता। आपकी पहली शिख वो ये है कि इस सरज़ ज़मीन पाकिस्तान का जो हाकिम वक्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। यानी ये जो आपके वज़ीर आज़म होते हैं नवाज शरीफ और जरदारी और इमरान ख़ान और जितने भी गुजरे हैं वो आपके हाकिम वक्त नहीं हैं। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि पाकिस्तान का जो हाकिम वक्त है वो तो अल्लाह ताला है, लेकिन ये जो वज़ीर आज़म है वो एक्चुअली अल्लाह ताला का एक नायब है जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से कि उसे अल्लाह ताला की शरीयत को इस सरज़ ज़मीन में नाफिज करना है और जो उसकी शरीयत है उसी की बेस पे कुछ लॉज एंड रेगुलेशन बनाने हैं जो वो नाफिज कर सके इस सरज़े ज़मीन में और लोग उसको फॉलो करें। तो ये है आपकी पहली शिख। आपकी दूसरी शिख वो ये है कि इस मुल्क पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कि अगेंस्ट में जा रहा हो कुरान और सुन्नत के। तो ये आपकी दो शिखें हैं। तो इससे क्वाइट क्लियर होती है हमें ये बात कि पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान जो है वो एक सेकुलर स्टेट नहीं है। क्योंकि जो सेकुलर स्टेट होती है वो ये होती है कि जो कानून बनाने वाला होता है वो एक असेंबली होती है, कुछ लोग होते हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं और वो सोसाइटी में नाफिज करते हैं।
लेकिन इधर अल्लाह ताला है हमें रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाला, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म के ज़िम्मे लगा दी और जो भी उसकी काबीना होती है। और ये साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन सेकुलर स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट स्टेट हु एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इस्लामिक आइडियोलॉजी। और ये बात भी साफ साफ क्लियर है कि पाकिस्तान को जो लोग भी सेकुलर स्टेट कंसीडर करते हैं वो साफ और साफ वतन के गद्दार हैं। चाहे आप 14 अगस्त पे हरे पानी से नहा के ही क्यों ना आ जाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कह कह के आपकी ज़बानें ही क्यों ना थक जाएं, आप वतन के गद्दार हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है। अब तीसरी और फाइनल बात वो ये है कि यार चलो मान लिया पाकिस्तान जो है वो वाकई एक इस्लामिक स्टेट है, मगर इस्लाम किधर है इस मुल्क में? जो चोर होता है उसकी सज़ा क्या है इस्लाम में? इसका हाथ काट देना काफ़ी है, ये सज़ा है? नहीं है। जो डकैत होता है उसकी क्या है सज़ा इस्लाम में? कि इसको, इस बदबख्त को चौक पे लटका दिया जाए, इसको निशाने इबरत बना दिया जाए लोगों को। और सूदी निज़ाम ये कितना है हमारे मुल्क में, ये तो बिल्कुल इस्लाम में नाजायज़ है, हराम है, तो ये सब क्या है? और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं लेकिन वो फिर भी हो रही हैं। तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली इस्लाम जो है ना वो पाकिस्तान की शेखों में मौजूद है, लेकिन उसके जो नाफिस करने वाले हैं ना असेंबलियों में वो मार्केट से शार्ट। मुझे बड़ी किसी ने अच्छी बात बताई, मुझे बड़ी हंसी आई कि अगर चोर बोलने वाले की सज़ा पाकिस्तान के मुल्क में नाफिस कर दी जाए ना तो असेंबलियों में आधे से ज़्यादा लोग तो टुंजे हो जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है एक इंसान जो है वो शराब खुद पीता है तो वो कैसे लोगों को मना कर सकता है कि यार शराब जो है वो पीना बुरी चीज़ है? तो ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता। पहले इंसान को खुद इंसान का बच्चा बनना पड़ता है, फिर वो आवाम को इंसान का बच्चा बनाता है। तो जो मेरा मशवरा है ना इस पर वो ये है कि जो खैरख्वाह लोग हैं ना इस वतन के वो पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लें और बड़े बड़े अहदों पे जाएं जहाँ पे वो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ काम कर सकें और वाकई शरीयत को भी पाकिस्तान में नाफिस कर सकें और अच्छा बना सकें। ना कि सिर्फ वो ये कहें कि यार पॉलिटिक्स में तो बस वही लोग, वही बंदे जाते हैं जो कि झूठ बोलते हैं, करप्ट होते हैं। यार आप तो सही बंदे हो ना, चलो आप खुद नहीं जा रहे, अपने बच्चों को इन चीज़ों में लगाओ। और इस तरह की और भी बहुत सारी, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप खुद वो पोजीशन जाके संभालें ताकि आप मुल्क में निज़ाम को बेहतर बना सकें। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान बड़ी और बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप फिर भी देखते हैं इस मुल्क में तमगा इम्तियाज़ जो है वो नाचने वालियों को दे दिया जाता है और कुछ ऐसे ड्रामे बनते हैं चुड़ैल्स के नाम से और फेमिनिज़म के नाम पे कितनी बेगैरती और बेहयाई को फैलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि ये एक्चुअली वाकई हो क्या है। तो बस पाकिस्तान जिंदाबाद, सलाम अलैकुम।